देख फैल गई ना, फैल गई सब में, तेरी वजह से हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अरे अब चलो जो हुआ सो हुआ यार, मैं गलती मान रही हूँ अपनी, पर अब वो बात कर लें जिसलिए ये मीटिंग बैठाई है मैंने, अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार। हाँ चल बता। देखो अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो। हाँ यार कहीं नौकरी भी तो ना लग रही है। अबे गधे, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे क्यों? ये 8-10 हजार 20 हजार की नौकरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई 20 हजार की नौकरी? मैं तो जरूर करूँगा। बस तेरी यही सोच ने तो तुझे गरीब बना रखा है। अबे क्या कर लेगा, क्या गुजारा हो जाएगा 10-20 हजार की नौकरी में? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं एक बार में ही। अरे भैया ऐसा क्या करवाओगा हमसे? हमसे ना होगा कुछ भी। अबे तुम्हें करना कब है? करूँगा सब मैं, तुम्हें तो बस मेरा साथ देना है। अगर मेरा साथ दे दोगे तो 1 लाख की नहीं पता, 2 लाख की नहीं पता, 10 लाख की नहीं पता, एक ही झटके में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे कुछ ही दिनों में। हैं? अगर मालदारी की और पैसे की बात है तो मैं तो तैयार हूँ, करना क्या हमें ये बता। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करूँगा मैं करूँगा, तुम बस मेरा साथ दो, अब हम बनेंगे। बिना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी? अबे दिलावर पागल है क्या? अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच ली है न, गांड का 10 हजार फीट गहरा कुआ कब बन जाएगा तुझे भी पता ना चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे। भाड़ो आ। ए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारू तमंचे वमंचे हाथ में तू दिखाई ना दे रही। तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत है हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने में ही नहीं देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ और लूट लो। दिलावर देख ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़कीबाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूजे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर कम से कम 10-12 लाख का माल है, घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रही था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए। कम से कम 7-8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने, बस तुम मेरा साथ दो, मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं?
अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए। चलो कहा? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहा है वो 500 का नोट? अंदर दराज में।